रीना की पिछले काफी समय से शादी तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी ना थोड़ी चपटी थी और रंग भी सावला था। रीना को 15 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुके थे। रीना लड़कों को अपनी शक्ल दिखा दिखा कर परेशान हो चुकी थी। बेटी, आज एक और लड़का तुम्हें देखने आ रहा है, ब्यूटी पार्लर चली जाओ और अपनी आईब्रो बनवाओ। लौटते समय पंडित जी की दुकान से बेकरी वाले बिस्कुट और पनीर भी लेती आना। लड़के वाले बहुत दूर से आ रहे हैं, 12-1 तक पहुंच जाएंगे। पिताजी, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। मैं जैसी हूँ वैसा ही मुझे कोई पसंद करता है तो ठीक है। मेकअप करा कर मैं थक चुकी हूँ। चटपटिया, तू जैसा है वैसा तुझे कोई पसंद नहीं करने वाला। सुनते हो जी, बालों से पकड़कर इसे खींचते हुए ब्यूटी पार्लर लेकर जाओ और इसका फेशियल वगैरह कराओ, वरना ये महारानी हमारे सिर पर ही बैठी रहेगी। कोई काना भी इसे पसंद नहीं करेगा। बालों पर तो ऐसे ध्यान देती है जैसे विश्व सुंदरी का खिताब मिलने वाला हो। पापा, मम्मी का मुंह बंद करवा लो, वरना मैं कुएं में जाकर कूद जाऊंगी। लक्ष्मी, तू इतना क्यों बोलती है? मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई लड़का हमारी बेटी को जरूर पसंद कर लेगा। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। भगवान ने सभी के लिए जोड़ी बनाई है, तो वो हमारी लड़की को अकेला कैसे रख सकता है? पिछले कुछ समय से रीना ने अपने बालों पर बहुत ध्यान दिया था। इस बार लड़के ने रीना के बालों की सुंदरता देखकर उसे पसंद कर लिया। लड़के ने रीना से कहा कि वह एक सप्ताह बाद दोबारा उससे मिलने आएगा। रीना बहुत ही खुश थी, आखिर इतने दिनों बाद उसकी शादी तय हो गई। मम्मी, मैं कल आकांक्षा के गांव जाऊंगी। बहुत दिन हुए मैं उसे मिली नहीं हूँ। कल कहीं मत जा, कल मेरे साथ बाजार चलना है तुझे, कुछ कपड़े दिलाऊंगी। नहीं, कपड़े लेने परसों चलेंगे। अगले दिन रीना खुशखबरी देने अपने सहेली के घर की ओर चल पड़ी, जो पड़ोस के गांव में रहती थी। पड़ोस के गांव जाते समय रास्ते में एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पुरानी गंजी चुड़ैल रहती थी, जो लड़कियों के बाल काट लिया करती थी। रीना जब पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तब चुड़ैल ने उसे देख लिया। इस लड़की के बाल तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे बाल सिर्फ मेरे पास होने चाहिए, लेकिन मैं सूरज की रोशनी में नीचे नहीं जा सकती। मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना होगा। ये लड़की लौट के तो आएगी ही, तब मैं इसके बाल नोच लूंगी। रीना अपनी सहेली के घर पहुंचकर खूब देर तक बातें करती रही। ये लड़के भी बहुत उल्लू और गधेड़ू टाइप के होते हैं। इतने दिन से कोई लड़का मुझे पसंद ही नहीं कर रहा था, और अब अचानक एक लड़का मेरे बालों पर मर गया है। ये लड़के चाहे बिल्कुल टकलू हो, लेकिन लड़की इन्हें लंबे और सुंदर बालों वाली ही चाहिए। हर लड़का चाहता है कि उसकी पत्नी की जुल्फें फिल्मों की हीरोइन की जुल्फों की तरह होनी चाहिए। शादी के बाद जब तू पहली बार मायके आए, तो मेरे घर भी जरूर आना। अगले साल मेरी भी शादी तय होगी। तुझे ही मुझे सिखाना पड़ेगा कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अरे, ससुराल में रहना सीखने के लिए क्या है, थोड़े दिन बस शर्म लिहाज से रहो, उसके बाद कुछ भी करो। शुरुआत के कुछ महीनों की परेशानी होती है बस। कुछ महीनों के बाद क्या बेशरम बन सकते हैं? शादी के बाद भी बेशरम नहीं बनेगी तो क्या बुढ़ापे में बेशरम बनेगी? अंधेरा होने वाला है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे, बातों बातों में मैं चाय बनाना तो भूल ही गई। मेरे पापा काजू वाली नमकीन लेकर आए हैं। चाय के साथ खाएगी तो बार बार मांगेगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। रीना चाय पीने के बाद ही अपनी सहेली के घर से वापस चली। अंधेरा हो चुका था, चुड़ैल घाट लगाई बैठी थी। रीना जब पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तभी चुड़ैल उसके ऊपर झपट पड़ी और उसके बाल काट कर ले गई। अरे अरे, मेरे बाल, चुड़ैल मेरे बाल ले गई। कोई मेरी मदद करो, कोई तो सुनो। उस समय सड़क पर आसपास कोई नहीं था जो रीना की मदद करता। रीना रोते हुए अपने घर पहुंची।
पिताजी, एक चुड़ैल ने मेरे बाल काट लिए। उस लड़के ने मेरी बालों की वजह से ही तो मुझे पसंद किया था। 7 दिन बाद वो मुझसे मिलने आएगा, अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तुझसे मना किया था कि मत जा, लेकिन तू मुझे अपना दुश्मन समझती है। अब तेरी शादी फिर टूट जाएगी। बहुत खुशी में उतावली होकर अपनी सहेली को खुशखबरी देने गई थी। अब पता लगा उतावलेपन का नतीजा, अब बैठकर रोती रहे। मुझे माफ करना बेटी, मैंने उस कुंजी चुड़ैल के बारे में सुना था, लेकिन मैं कल तुम्हें बताना भूल गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, पीतमपुर गांव में मेरा एक तांत्रिक दोस्त रहता है। रीना के पिता अपने तांत्रिक दोस्त के पास गए। चपाला मेरी मदद करो, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। लड़के ने मेरी बेटी के बालों की सुंदरता को देखकर उसे पसंद किया था, लेकिन एक चुड़ैल मेरी लड़की के बाल ले गई। जिंदगी में कितनी अजीब अजीब समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन तुम घबराओ नहीं चमनलाल, मैं तुम्हें एक मुल्तानी मिट्टी देता हूँ। ये साधारण मुल्तानी मिट्टी नहीं है, इसे लगाते ही सिर पर लंबे घने बाल आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इस गांव में एक शैतान आया हुआ है और मुझे अपने गांव की उस शैतान से रक्षा करनी है। लेकिन तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा। तांत्रिक ने रीना के पिता यानी चमनलाल के कान में कुछ बताया, फिर चमनलाल अपने गांव लौट आए। चमनलाल ने पूरे गांव में खबर की कि जो भी लंबे और घने बाल चाहता हो वो रात को 12 बजे पीपल के पेड़ के पास आ जाए। रीना सहित गांव की कई लड़कियां पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। चमनलाल ने उन्हें जादुई मुल्तानी मिट्टी बांटनी शुरू कर दी। मिट्टी लगाते ही सारी लड़कियों के लंबे घने बाल आ गए। चुड़ैल पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही थी। ये मुल्तानी मिट्टी मेरे पास होनी चाहिए। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई और चमनलाल से बोली, सुन बुड्ढे, ये सारी मुल्तानी मिट्टी मुझे दे दे और यहाँ से फूट ले। चमनलाल ने सारी मिट्टी चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल ने जैसे ही मिट्टी अपने सिर पर लगाई, उसका सिर जलने लगा और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो गई।